धम्मपद चित्तवक की कथा और गाथा नंबर 38 38 नंबर। चित्तहत की ये कथा है। देखिए, नाम जो पाली के अंदर हैं पुराने, उनमें पीछे कोई जाति का सिस्टम या कोई जाति के आज की तरह के नाम नहीं है। बेसिकली आज जो नाम आप सुनते हैं और देखते हैं पूरे भारत में, वो नाम लगभग 60-70 साल पहले से ईजाद हुए हैं। इससे पहले वो नाम नहीं थे, लोगों के बड़े सादा नाम होते थे और पाली में पीछे जाति का कोई नाम नहीं होता था, क्योंकि पाली के समय, भगवान बुद्ध के समय जातियां थी ही नहीं, बहुत बाद में जाके बनी हैं। प्राचीन कथाओं में या जो मैथोलॉजी है उसके अंदर भी जो पात्र हैं उनके नाम के पीछे जातियां नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जातियां जैसे जैसे आप नाम को देखेंगे, क्योंकि जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम के पीछे भी जातियों के नाम नहीं है। तो जातियों के नाम अभी 60-70 साल से लगभग दूसरी या तीसरी पीढ़ी से ईजाद हुए हैं, पैदा हुए हैं, जो लोगों की मनोवृत्ति को बताते हैं कि जाति ने कब सबसे ज्यादा उग्र रूप रखा हुआ है कि लोग जाति की पूंछ लगाए घूम रहे हैं। यहां जो नाम है चित्तहत का मतलब है, चित्त माने माइंड होता है, मन होता है, और हत माने होता है हाथ में, यानी कि जो माइंड के हाथ में है, जो मन के हाथ में है, जो मन के वश में है, ये नाम उसका है जो यह कैरेक्टर है। ये जो चित्तहत कैरेक्टर है, जो व्यक्ति है, ये नाग है। बेसिकली ये नाग है और ये अपने बैलों को ढूंढता हुआ एक दिन एक आराम में पहुंच जाता है। आराम जो आज की डेट में हम बुद्ध विहार या मंदिर बोलते हैं, उनको आराम बोलते थे उस समय। संघाराम हुआ जैसे, बुद्धाराम हुआ जैसे, जैतवनाराम हुआ ऐसे, ऐसे आराम करके जहां भिक्खु लोग आराम करते थे, रेस्ट करते थे, रहते थे विहार। तो चित्तहत जब अपने बैलों को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है तो बैल तो उसे नहीं मिलते, भिक्खु मिल जाते हैं और भिक्खु उसको कुछ बचा हुआ खाना जो उनसे बचा हुआ होता है वो दे देते हैं। ऐसा स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी नहीं खाया, क्योंकि भिक्खुओं को लोग सबसे अच्छा खाना ही दान में देते थे, क्योंकि दान देना मन से दान दिया जाता था, उनको खुशी होती थी। स्वादिष्ट खाना खाने के बाद में चित्तहत पूछता है कि ये जो खाना है कैसे प्राप्त हुआ, कैसे नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम सुबह को जाते हैं, लोगों से हम भिक्खा देते हैं, दान लेते हैं, वो हमें देते हैं, हम उस पर खाते हैं और हम उनको धम्म सिखाते हैं, धम्म देते हैं, फ्री में नहीं खाते, खाने के बदले में उनको शिक्षा देते हैं। इसी को भिक्खा बोला गया है, यानी कि भ्रमण करते हुए शिक्षा देना और भोजन दान में लेना। तो चित्तहत को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई भोजन इतना बढ़िया मिला है, और वो भोजन के लालच में पवज्जा ग्रहण कर लेता है और भिक्खु बन जाता है, सामनेर बन जाता है। जब वो सामनेर बन जाता है तो उस काम वासना जो उसकी पत्नी के साथ में कामरत रहता है वो उसको जागती है, वो उग्र होती है। उग्र होती है तो वो नियम के अनुसार चीवर छोड़ देता है और ग्रस्त में चला जाता है। ग्रस्त में जाने के बाद जब वो काम वासना से उसका मन भर जाता है, फिर वो चीवर ले लेता है, क्योंकि उसको भोजन चाहिए। ऐसा वो आना जाना 6 बार करता है। कोई नियम तो है नहीं, क्योंकि नियम ऐसा हो कि 3 बार आ सकता है, 3 बार जा सकता है, कितनी बार आ सकता है, कितनी बार जा सकता है, डिपेंड करता है कि भिक्खु संग उसको पवज्जा देता है या नहीं। 7वीं बार 6वीं बार जब वो जाता है तो वहां जाके वो अपनी पत्नी की अवस्था देखता है, सोते हुए उसका शरीर देखता है, उसके बाल देखता है, ध्यान से देखता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भाई जो उसका रूप और सौंदर्य है वो सारा का सारा ही चेंजेबल है, बदलने वाला है, बदलता रहता है, वो स्थिर नहीं है, वो जाने वाला है, वो खत्म होने वाला है, वो किसी भी हालत में नित्य नहीं है, अनित्य है, अनिच्य है, यानी कि इम्परमानेंट है। ऐसा देख के उसको फिर अपना जो भिक्खु वाला जीवन है याद आता है और वो फिर दौड़ता है अपना चीवर लेके बिहार की तरफ। इस बार भिक्खु संघ उसको पवज्जा देने से मना कर देता है। 7वीं बार बहुत ज्यादा अनुविनय करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद में भिक्खु संघ उसको पवज्जा देता है, उसको भिक्खु संघ में शामिल कर लेता है। भिक्खु संघ में शामिल करने के बाद 7वीं बार जब वो आता है तो वो अर्हत हो जाता है। अर्हत उस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण प्राप्त, जहां आदमी अपने राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, जीते जी सारे दुखों से, सारी इच्छाओं से परे हो जाता है। तो जितने भी उसके आसपास के लोग थे, जितने भी जो भिक्खु थे, सामने थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वो इस बात की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हुआ, भदंता ऐसे कैसे हुआ, भगवा ऐसे कैसे हुआ, वेदत्वगु ऐसे कैसे हुआ, तथागत ऐसे कैसे हुआ। तो वो जब पूछते हैं तब भगवान इस गाथा को कहते हैं। गाथा इस प्रकार है,
अनवठित चित्तस्य सद्धम्मं अभिजानतो परिलव प्रसादस्य पय्या ने परिपूर्ति। अनवठित चित्तस्य, अनवठित चित्तस्य का मतलब है अन माने बिना, वठित माने जो स्थिर, यानी कि अन माने नहीं और वठित माने स्थिर, जो स्थिर नहीं है। चित्तस्य, चित्त जो स्थिर नहीं है। से धम्मं, से धम्मं का मतलब है कि धम्म के साथ। अविजानतो, अविजानतो का मतलब है अविज्ञा, अविज्ञा का मतलब है कि वो अनविज्ञ है, जानता नहीं है उससे, यानी कि सधम्म को नहीं जानता है, सधम्म से नहीं जानता है, धम्म को नहीं जानता है। उसका जो चित्त है, जो मन है, वो अविज्ञा से, अज्ञानता से अभी भरा हुआ है, वो धम्म को नहीं जानता है। अनवठित चित्तस्य का मतलब है कि जो उसका मन है वो अभी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। उसका जो मन है वो अस्थिर है, स्थिर मन नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल मन है, इधर उधर भागता रहता है। परिलव प्रसादस्य, परि माने पूरी तरह से, लव जो होता है, लव कुश मैंने एक बार बताया आपको, लव कुश होता है, लव माने होता है उसकी बूंद, और कुश माने होता है बहुत नुकीली घास, दोनों शब्द एक साथ चलते हैं। लव कुश, नुकीली घास के ऊपर जो उसकी बूंद होती है बिल्कुल मोती की तरह चमकती है, उसको लव और कुश दोनों को बोलते हैं। तो परि लव, परि माने पूरी तरह से, लव माने उसकी बूंद, प्रसाद माने क्लियर साफ, प्रसादस्य, प्रसादस्य का मतलब है यानी कि वो ओस की बूंद की तरह बहुत क्षणिक है, स्थिर नहीं है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी उड़ सकती है, कभी भी टूट सकती है, यानी वो बूंद बहुत क्षणिक होती है, ऐसा उसका मन है। पय्या ने परिपूर्ति, यानी जो समझ है, जो प्रज्ञा है, जो पय्या है, वो कभी भी पूरी नहीं होती, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अस्थिर है, और जो चित्त को यानी माइंड को, धम्म को नहीं जानता है, जो ओस की बूंद की तरह से बहुत ज़्यादा क्षणिक है, ऐसे व्यक्ति की पय्या समझ कभी परिपूर्ण नहीं होती। इसको आप अगर हिंदी में और समझना चाहें तो इस प्रकार है कि जिस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, जैसे छोटे बच्चे का होता है, कभी ये खिलौना लेगा, कभी उस खिलौने को लेगा, कभी ये खाएगा, कभी मुंह में हाथ डालेगा, ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन ऐसा होता है, जो स्थिर ना हो, जो धम्म को नहीं जानता हो, जो ओस की बूंद की तरह बड़ा चंचल हो, ऐसे व्यक्ति की किसी भी हालत में परिपूर्ण नहीं हो सकती। धन्यवाद। Time.